हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ एक्सेल के डिस्टेंस एजुकेशन में, जहाँ हम बात करने वाले हैं आज कि हमें रेगुलर के बजाय डिस्टेंस कोर्स क्यों करने चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं। तो हम जॉब के साथ ग्रेजुएशन कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, अगेंस्ट आप एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, पॉपुलर जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, स्किल को पॉलिश कर सकते हैं। अब बात करती है कि जो हमारा एमए कोर्स है वो कौन से यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। एमए कोर्स के बारे में आपको बताऊंगी, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है और उसकी फीस स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात है, एमए आप स्वामी विवेकानंद सुभारत यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, जो यूजीसी और डीबी अप्रूव्ड है ए ग्रेड में। अब जो आपका यूनिवर्सिटी का, मैं यूजीसी लेटर आपको दिखा रही हूँ, ये यूजीसी लेटर है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एनएसएससी लेटर के बारे में, जो एनएसएससी ऑथराइज है, जो ए ग्रेड में है आपका स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी। और अब बात करते हैं जो एमए का जो कोर्स है उसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं आपको। तो एमए है मास्टर ऑफ आर्ट्स, जो जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है और ये 2 साल का होता है। अब एमए के विषय के बारे में बात करते हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट है वो देखते हैं हम। इसमें आता है आपका इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और सोशियोलॉजी। अब हम एमए के जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फीस में आपका आता, सबसे पहले आता है आपका रजिस्ट्रेशन फीस, जो 500 रुपये होते हैं। जो एग्जामिनर की जो फीस होती है वो 1400 होती है और कोर्स की फीस 6500 रुपये होती है। बुक्स आपको फ्री मिलती है आपकी स्टडी के लिए। अब आपको आईडी कार्ड मिलता है और एडमिट कार्ड जो आपको मिलता है वो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मिलता है, जिसमें आपको सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब जॉब कौन कौन सी मिल सकती है आफ्टर एमए के बाद, तो वो देख लेते हैं हम। तो आप एमए के बाद गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, सोशल वर्क कर सकते हो और मार्केटिंग और लॉ भी कर सकते हैं आप। अब बात आती है ऐसे कौन कौन से ऐसी इम्प्लॉयमेंट एरियाज हैं जहां आपको एमए ग्रेजुएशन होने के बाद जॉब मिल सकती है। तो थिएटर में जॉब कर सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो और भी बहुत सारी जॉब्स आपको मिल जाएंगी। अब जो होता है एमए और कौन कौन से कोर्स से हम कर सकते हैं, तो एमए आप ऑनर से कर सकते हो, जर्नलिज्म से कर सकते हो, फाइनल आर्ट से भी कर सकते हैं, म्यूजिक से भी कर सकते हैं। अभी नोटिस डिटेल के बारे में बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी के डिटेल्स क्या है। तो उसकी साइट है www.subhatidegree.com, आप इस पर चेक कर सकते हो सारी डिटेल्स। ये मेरठ में है और वहाँ आप हमसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो हमारा नंबर है 9991252252। हमारा एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर धर्म प्लाजा, रेलवे रोड, पलवल। थैंक यू।